हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम में बहुत बार पूछा है कि क्या जर्मन मैंडेटरी है जर्मनी में। आज मैं आपको इस वीडियो में उसका आंसर दूंगा। बात यह है कि जर्मन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सम कंडीशंस हैं जब जर्मन मैंडेटरी हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब वो मैंडेटरी होती है और कब नहीं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले मैं आपको स्टडी के बारे में बताता हूँ। जर्मनी में बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। इन कोर्सेज में जर्मन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़े लिमिटेड कोर्सेज हैं इंग्लिश को लेकर। अगर आप कोई कोर्स जर्मन लैंग्वेज में चूज करते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। एक वीडियो बना रखी है हाउ टू लुक फॉर कोर्सेज ऑन द जर्मन वेबसाइट, आप उसको जाके चेक कर सकते हो और फिल्टर सेट कर सकते हो रिगार्डिंग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और सेमेस्टर फी और लोकेशन। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ जॉब्स की। अगर आप मिंट फील्ड से हो, मिंट मींस मैथमेटिशियंस, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्मनी में इस फील्ड के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं और इसके लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको पता होगा कि जर्मनी में इस टाइम पर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल पीपल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केटिंग, लॉ या मेडिसिन फील्ड से हो तो आपको जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि आपको डे टू डे क्लाइंट से डील करना है और यहाँ जर्मनी में लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। इस वजह से आपकी जर्मन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, इनकी प्रॉब्लम को समझ सकें, इसलिए जर्मन ज़रूरी है। नेशनल कंपनीज में भी जर्मन इतनी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको जर्मनी में अपना करियर बनाना है और आपको मैनेजरियल पोजीशन तक जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये आपको हेल्पफुल रहेगी एज अ स्किल ऑल्सो और गेटिंग न्यू जॉब पोजीशंस ऑल्सो। अब बात करता हूँ मैं लाइफ इन जर्मनी की। जर्मनी में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जर्मन। जर्मनी में जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं जैसे कि फॉरन ऑफिसर या बैंक या पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सारे काम जर्मन में होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स तक जर्मन में लिखे हुए होते हैं, तो अगर आपको जर्मन की नॉलेज है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने में आसानी रहेगी। कोई भी मेल आता है वो सब जर्मन में होगा। जैसे आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो तो आप इंग्लिश में काम कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लंच टाइम में या आउट कहीं आप घूमने जाते हो जर्मन्स के साथ, तो आपको जर्मन स्किल्स थोड़े से आने चाहिए, क्योंकि ये इजी होता है कम्युनिकेट करना जर्मन्स के साथ और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं अगर आप उनसे जर्मन में बात करते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जर्मन बोल पाते हो, चाहे थोड़ी टूटी फूटी बोलते हो लेकिन बोल देते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टे करना सोच रहे हो जर्मनी में, लाइक पीआर लेना चाहते हो या सिटीजनशिप लेना चाहते हो, जर्मन स्किल्स आने चाहिए। अगर आपके पास A1 लेवल की प्रोफिशिएंसी है जर्मन लैंग्वेज की, देन ऑल्सो इट इज़ गुड। 33 मंथ्स में आपको PR मिल जाएगा और सिटीजनशिप भी आपको 7 साल में मिल जाएगी। अगर B2 लेवल तक आपको अगर आती है तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें जर्मन लैंग्वेज कब सीखनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका शॉर्ट प्लान है कि मेरे को जर्मनी ही आना है, तो आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि B1 तक आपका हो जाए जब जर्मनी आप आ रहे हो। लेकिन अगर जर्मनी सिर्फ आपका एक ऑप्शन है, देन आप अगर जर्मनी आते हो तो यहाँ पे भी आके आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाता है जर्मन लैंग्वेज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, चाओ।